बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने बिज़नेस लॉजिक लेयर को बिल्ड किया था। अब हम एक छोटी सी टेस्ट ऐप क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हमने इंसर्शन का काम करना है कि जो हमारा डेटा एक्सेस लेयर को गेट करते हुए वैल्यूज़ को इंसर्ट करे। तो मैं एक और प्रोजेक्ट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट जो है इस बार हमारा विंडो ऐप होगा, उसको मैं कहूँगा टेस्ट ज़ेब्रा बारकोड प्रिंटर। इस एप्लीकेशन का जो पर्पस होगा वो ये होगा कि ये वैल्यूज़ को डेटाबेस में इंसर्ट करेगा, जिसकी बेस पे हम सर्विस के थ्रू प्रिंट कर सकेंगे। ठीक है, फॉर्म को मैं डिलीट कर देता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका फॉर्म बना है, क्योंकि हम डेव एक्सपेक्स पे काम कर रहे हैं। तो मैं डेव एक्सपेक्स का फॉर्म जो है वो ऐड करूँगा इसके अंदर। ठीक है, FRM टेस्ट ऐप। उसके बाद जो ज़रूरी काम हमने करने हैं इस प्रोजेक्ट में वो ये हैं कि मैं प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाऊंगा, सबसे पहला काम। एप्लीकेशन के इवेंट में आऊंगा और यहाँ पे एप्लीकेशन के स्टार्ट का इवेंट, स्टार्टअप इवेंट जो है उसको कॉल करूंगा डेम CLS एज अ न्यू CLS कॉन्फ़िगरेशन, जो कि डेटा एक्सेस लेयर का हिस्सा है। तो मैं सबसे पहले रेफरेंस में डेटा एक्सेस लेयर को ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, डेटा एक्सेस लेयर को ऐड कर दिया CLS कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को मैंने कॉल कर लिया और मैं इंपोर्ट कर लूँगा डेटा एक्सेस लेयर को यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगी, तमाम के तमाम वैल्यूज़ को जो कि हमारी कॉन्फ़िग फाइल है वहाँ से लोड कर लेगी। दूसरा काम, मैं कंपाइल में जाऊँगा, ब्राउज़ करके इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट में दे दूँगा आउटपुट फाइल्स में, ताकि इसका आउटपुट भी सेम जगह पे चला जाए जहाँ पे बाकी एप्लीकेशंस का है। ठीक हो गया, ताकि मेरी एग्जिट जो है वो एक ही जगह पे अवेलेबल हो। अब अगर मैं आऊँ अपने आउटपुट प्रोजेक्ट पे, ओपन इन एक्सप्लोरर, ये मेरी आउटपुट फाइल है। अभी यहाँ पे मेरे पास टेस्ट ऐप नहीं आई है। ठीक है, तो मैं जैसे ही इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करूँगा, मैंने फॉर्म चेंज करना है, क्योंकि फॉर्म वन को हमने बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट कर दिया था, तो उसका जो स्टार्टअप फॉर्म है वो मैं टेस्ट ऐप दे दूँगा। ठीक है, टेस्ट ऐप देने के बाद मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको बिल्ड किया मैंने, तो यहाँ पे टेस्ट ऐप आ गई है। ठीक है, तो टेस्ट ऐप का हम कोई भी आइकन दे देते हैं। ये वाला आइकन हम दे देते हैं टेस्ट ऐप के लिए। ठीक है जी, अब हम टेस्ट ऐप को रीबिल्ड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट प्रोजेक्ट में ये इसको आइकन मिल गया। ठीक है जी, ये मैं इनको बड़ा कर देता हूँ। तो ये टेस्ट ऐप हो गई और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये दो ऐप्स हमारे पास आ गए। ठीक है जी, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम थे वो हमने कर लिए। अब हम आ जाते हैं फॉर्म के डिज़ाइनिंग के ऊपर। यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें भेजनी है, जो हमारे पास बारकोड के टेस्ट के ऊपर है वो हमने भेजनी है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। एक तो हमने ये चीज़ भेजनी है,
ठीक हो गया जी, इसको मैं बाहर ले आता हूँ बटन को। इसका हम नाम कर देते हैं इंसर्ट बारकोड डेटा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए हमें प्रिंटर की लोकेशंस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वो हम यहाँ पे ले आते हैं पेस्ट। उसके बाद प्रिंटर की लोकेशन चाहिए, ठीक, या प्रिंटर नेम कर लेते हैं। यहाँ से प्रिंटर के नेम आ गए। उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ प्रिंटर फॉर्म, ठीक है जी, यहाँ पे प्रिंटर के फॉर्म लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद कॉपी कर देते हैं प्रिंटर के टाइप्स को कि किस टाइप का जो बारकोड है वो प्रिंट है, ठीक है। मैं बिल्कुल रफ सा डिज़ाइन कर रहा हूँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, आपने इसको अपने हिसाब से खूबसूरत बनाना है जैसे आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इंसर्शन के लिए। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हम कॉन्फ़िगरेशन से भी उठा सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे उठाई हैं, ठीक है। लोड किया कॉन्फ़िगरेशन को तो तमाम लोकेशंस उठाई और हमने लोकेशन में डाल दिया, कॉपी। यहाँ पे भी मैं एक इवेंट बना लेता हूँ फॉर्म का, लोड इवेंट, ठीक है, और वहाँ पे हम कह देते हैं लोड कॉन्फ़िगरेशन, और इस नाम की मैं एक सब रूटीन बना लेता हूँ प्राइवेट सब लोड कॉन्फ़िगरेशन बिगिन इनवोक फंक्शन रिटर्न टू ट्राई कैच। तो ये वही काम करे जो यहाँ पे हो रहा था, तमाम लोकेशंस उठाए, ठीक है, और प्रिंटर की लोकेशंस को दे दे, ठीक हो गया। CLS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा एक्सेस लेयर, इंपोर्ट डेटा एक्सेस लेयर को हम कॉल कर लेते हैं। ऑल लोकेशन का एक वेरिएबल था, वो वेरिएबल हम यहाँ से उठा लेते हैं, ऑल लोकेशन ऑल सेक्शन, ठीक है, कॉपी, इनको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तमाम लोकेशंस हमारे पास आ गए, हमने प्रिंटर के लोकेशंस पे दे दी। ये बेसिकली जो ड्रॉप डाउन था ये हमारा प्रिंटर लोकेशन है, उसको हम प्रिंटर का नेम भी दे सकते हैं, ठीक है, प्रिंटर नेम कर देते हैं। नेक्स्ट जो है इसको हम कहते हैं जी CMB प्रिंटर फॉर्म। फर्दर हमने ऑल सेक्शंस जो थे वो उठाने हैं, उनको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर मैं से कहता हूँ
सीएमबी प्रिंटर फॉर्म्स की प्रॉपर्टी में ऐड करते जाओ तमाम के तमाम। ठीक हो गया, लोकेशंस हमने दे दी, ये जो हमारे प्रिंटर नेम्स थे वो हमने ले लिए और प्रिंटर के फॉर्म्स हमने ले लिए। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से ले ली, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। अब हमने क्या करना है, यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ इसके लोड के ऊपर, इस फॉर्म के ऊपर मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा स्टार्टअप प्रोजेक्ट है, जैसे ये स्टार्ट होगा तो हमारी टेस्ट एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। मैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में आता हूँ और जो बिज़नेस लॉजिक लेयर है इसको भी मैं 86 पे ले जाता हूँ। ठीक है, और बिल्ड कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, ज़ेब्रा हमारी ऑलरेडी 86 पे जो टेस्ट है, ठीक है, और दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और सॉरी, एक चीज़ और, मैं इसको यहाँ से नाम चेंज कर देता हूँ, टेस्ट ज़ेब्रा बारकोड प्रिंटर ऐप। ठीक, ये इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, परेशान नहीं होना, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में मैंने उसका नाम दे दिया है। क्लियर है? ओके जी, बटन है हमारा, बटन का नाम भी हम चेंज कर देते हैं, BWTN इंसर्ट बारकोड डेटा। कि ये क्या करेगा, डेटा इंसर्ट करेगा बारकोड के अंदर। तो हमने यहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर को कॉल कर लिया हुआ है, साथ ही में मैं ऐड कर देता हूँ बिज़नेस लॉजिक लेयर, क्योंकि अब हमने बिज़नेस लॉजिक लेयर को एक्सेस करना है ताकि हम डेटा इंसर्ट कर सकें। ठीक हो गया, क्लियर। एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी कि हमारे प्रिंटर नेम और फॉर्म जो हैं ये फिल होते हैं कि नहीं होते हैं। जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन में है वही फॉर्म और वही नेम्स यहाँ पर भी आने चाहिए। लोकेशन 1, 2, 3, 4, 5 हमने डाली थी, फॉर्म 1, 2, 3, 4 थी। ठीक है, और ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड है, फील्ड आ गए, बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड हैं तो फील्ड आ गए। अब हमने जस्ट करना क्या है, इसको हमने इंसर्ट करना है यहाँ पे। बटन पे मैंने डबल क्लिक किया तो हमारे पास एक इवेंट बन गया इंसर्ट का। मैं इस इवेंट को ऊपर ले जाता हूँ, इवेंट एक जगह पर हो गया और मैथड एक जगह पर, वेरिएबल एक जगह पर। तो यहाँ पे हमने करना है इंसर्शन और अपडेशन का काम। इंसर्शन अपडेशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी जो बिज़नेस लॉजिक लेयर है उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, तो मैं बिज़नेस लॉजिक लेयर को कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ बार कोड मैनेजर डॉट इंसर्ट प्रिंटर डेटा, तो उसको बार कोड की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो me.txt बार कोड डॉट टेक्स्ट जो हमारा बार कोड है, उसके बाद me.cmb बारकोड टाइप डॉट सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, इसकी वैल्यू प्लस me.txt पेशेंट नेम डॉट टेक्स्ट, me.txt विजिट नंबर डॉट टेक्स्ट, me.txt टेस्ट डॉट टेक्स्ट, me.cmb ट्यूब्स डॉट सेलेक्टेड आइटम, उसके बाद me.cmb प्रिंटर नेम डॉट सेलेक्टेड आइटम, me.cmb प्रिंटर फॉर्म डॉट सेलेक्टेड आइटम। ये वैल्यूज हमने इसको दे दी और साथ में हमें मैसेज बॉक्स शो करवा दिया, या हम इंफॉर्मेशन के लिए एक लेबल ले लेते हैं, इन्फो लेबल, यहीं से एक लेबल उठा लेते हैं। इस लेबल को यहाँ से लेके यहाँ तक हम कर लेते हैं, और प्लस इसकी ऑल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। ये बेसिकली डेव एक्सपेक्ट्स का है, तो डेव एक्सपेक्ट्स का जो है वो प्रॉपर्टीज़ इस तरह की आएंगी। ठीक है, इसके हम अपीयरेंस में चले जाते हैं, और अपीयरेंस में हम इसको कहते हैं कि ये इस वक्त बॉर है, हम इसको सेंटर कर देते हैं कि टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है,
ठीक है, तो टेक्स्ट सेंटर में हो गया। वर्ड रैप जो है वो हम इसका रैप कर देते हैं कि वर्ड रैप हो, सॉरी इसको सेंटर से हम लेफ्ट पे ले जाते हैं, नियर, ठीक है, लेफ्ट पे। और इसका जो वर्टिकल है, वर्टिकल हम इसको कह देते हैं कि ये टॉप में होगा, ठीक है जी। और इसका जो नेम है, मैं सर्च को क्लियर करता हूँ, नेम है LBL इन्फो, ठीक है, ये हमारा इन्फो लेबल है। और इसका जो टेक्स्ट है यहाँ पर मैं देता हूँ, इन्फॉर्मेशन विल डिस्प्ले हियर, ठीक है जी, ये हमने एक लेवल बना लिया। और मैं यहाँ पे आया, मैंने इसे कहा जब ये काम हो जाए इंसर्शन, तो यहाँ पे ये कहे मी डॉट एल बी एल इन्फो डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सक्सेसफुली इंसर्टेड बार कोड रेकॉर्ड, ठीक हो गया जी। एल्स अगर कोई इशू हो तो मी डॉट एल बी एल इन्फो डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ई एक्स डॉट मैसेज, ठीक है जी, जो भी मैसेज हो वो यहाँ पे आ गया। तो ये काम हमने कर लिया इंसर्शन का और अपडेशन का। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं क्या वाकई इंसर्शन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। कुछ हमने चेक्स भी लगाने हैं कि जब तक ये वैल्यूज नल हों। लोकेशन वन फॉर्म वन के लिए बारकोड 128 के साथ मैंने इसे कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये इंसर्ट हो जाए, बाकी ये सारी चीज़ें इंसर्ट बारकोड डेटा, तो सक्सेसफुली इंसर्टेड बारकोड रिकॉर्ड। अब हम आ जाते हैं जी अपनी डेटाबेस में। यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बारकोड प्रिंट F5। तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई लोकेशन वन फॉर्म वन के लिए इज डिलीटेड ज़ीरो के साथ, ठीक है जी। मैं कहता हूँ लोकेशन वन फॉर्म टू से 2 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 इंसर्ट हुआ, ठीक है, अगेन। उसके बाद मैं से कहता हूँ फॉर्म थ्री के लिए 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 इंसर्ट हो जाएगी। फॉर्म फोर के लिए 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 इंसर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आते एग्जीक्यूट, तो ये हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गया फॉर वन। अब हम आते हैं ये लोकेशन टू के लिए फॉर्म वन के लिए, ऐसे कहता हूँ विजिट नंबर में लोकेशन टू और पेशेंट नेम देता हूँ फॉर्म वन, ठीक है जी, इंसर्ट। अच्छा एक काम हम छोटा सा और कर लेते हैं, खूबसूरती के लिए एल बी एल इन्फो में आ जाए एंड वी बी सी आर एल एफ एंड मी डॉट टी एक्स टी बार कोड, या हम मी डॉट टी एक्स टी पेशेंट नेम, ठीक है, या विजिट नंबर, विजिट नंबर टी एक्स टी विजिट नंबर डॉट टेक्स्ट, ये हम साथ में डिस्प्ले करवा देते हैं ताकि हर दफ़ा चेंज हो तो हमें पता चले अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर हम किसी भी टेक्स्ट के चेंज के ऊपर इसको एम टी बी करवा सकते हैं कि ये एम टी बी साथ साथ उतर जाए। तो हम आ जाते हैं जो लोकेशन टू के फॉर्म टू के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकेशन टू, ठीक है, फॉर्म टू इंसर्ट लोकेशन टू के लिए। अच्छा लोकेशन टू फॉर्म थ्री, तो लोकेशन टू स्लैश डैश फॉर्म थ्री, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम इंसर्ट कर लेते हैं फोर और फॉर्म फोर, इंसर्ट फोर हो गया। सेम इसी तरह से लोकेशन थ्री के लिए, लोकेशन थ्री के लिए फॉर्म फोर के साथ हमने कर लिया, तो लोकेशन थ्री फॉर्म फोर।
डेटाबेस में आके देखते हैं जी हमारी कितनी इंसर्शंस होगी, तो हमने मल्टीपल एरिया से मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट कर ली। ये था हमारा टेस्ट एप्लीकेशन जहाँ से हमने इंसर्शन करेंगे, हम इंसर्शन करते जाएंगे और जो सर्विस होगी जो कि हम लास्ट में बनाएंगे, थोड़ा सा ट्रिकी काम है, तो सर्विस क्या करेगी, इन वैल्यूज़ को पिक करती जाएगी और वन बाई वन प्रिंट करती जाएगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देती जाएगी कहाँ कहाँ से प्रिंट हुआ और साथ में उनको डिलीट करती जाएगी, उस रो को डिलीट मार्क कर देगी। फिजिकली रो डिलीट नहीं होगी, रो मार्क करेगी कि ये रो डिलीट हो चुकी है, मीन्स के प्रिंट हो चुकी होगी। इसको आप इस डिलीटेड के बजाय इस प्रिंटेड भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास बार बार दूसरी इंफॉर्मेशन आए। अब अगर मैं लोकेशन वन और फॉर्म वन के लिए मैं जो हमने एस पीज लिखे थे हम वहाँ पे आए थे, ठीक है, ई एक्स ई सी गेट बार को प्रिंटर विद प्रिंटर नेम लोकेशन वन मैंने दे दिया और फॉर्म वन के लिए कौन कौन से हमारे पास अनप्रिंटेड पड़े हुए, तो उसने क्या जी वन पड़ा हुआ है। लोकेशन वन फॉर्म टू के लिए कितने पड़े हैं जी, वन पड़ा हुआ है। लोकेशन वन फॉर्म थ्री के लिए कितने हैं जी, एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। लोकेशन वन फॉर्म फोर के लिए कितने पड़े हैं जी, एक रिकॉर्ड है। लोकेशन टू फॉर्म फोर के लिए कितने हैं जी, एक रिकॉर्ड है, उसकी ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सेम इसी तरह से लोकेशन थ्री के लिए, सॉरी फॉर्म थ्री फॉर लोकेशन टू के लिए, लोकेशन थ्री के लिए फॉर्म फोर के लिए कितने हैं, लोकेशन थ्री के फॉर्म वन के लिए कितने हैं, आई थिंक कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये एसपी हमें इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा कि ये इन बार कोड्स अवेलेबल हैं उस प्रिंटर के लिए जिसने प्रिंट करने हैं, तो हर एक के पास अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये काम था जी हमारा टेस्ट ऐप का, ठीक है। हमें डेटा एक्सेस लेयर बना ली थी, बिजनेस लॉजिक लेयर बना ली थी, इसलिए टेस्ट ऐप बनाने में हमें इतना टाइम नहीं लगा, हमने जस्ट वैल्यूज़ को एक सिंगल लाइन के अंदर हमने इंसर्ट करवा दिया। सेम इसी तरह सिंगल लाइन के थ्रू हम गेट करेंगे और सिंगल लाइन के थ्रू रिकॉर्ड अपडेट भी होगा, ठीक है। ये था हमारा टेस्ट ऐप का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल्ड करना शुरू करेंगे विंडो सर्विसेज, जो पॉसिबल है कि दो या तीन लेक्चर्स तक जाए। जब वो हमारी बिल्ड हो जाएगी, बिल्ड होने के बाद विंडो सर्विस का हम एक सेटअप क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस सेटअप के इंस्टॉल करने के बाद ही आपकी जो विंडो सर्विस है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, या आप उसको .NET के इंस्टॉलर के थ्रू आप उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट हमारा उस पर काम होगा विंडो सर्विस पे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी रिलेटेड चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, आप सेक्शन कमेंट्स करें हमें और हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आपके कोई आइडियाज़ हो, कोई राय हो, या आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो आपको समझ ना आ रही हो, आप हमें उनसे ज़रूर आगाह करें। हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए एक अच्छा सा लेक्चर बना के आपके लिए अपलोड करें ताकि आपको वो चीज़ें समझ आ सकें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।